What's up, guys? I hope you are doing well. I am Nitin. Welcome to Learner's Paradise. Friends, let's start our lecture with a wonderful quotation. Sometimes the best road is the one you make. कई बार वो रास्ता बहुत सबसे अच्छा होता है जो हम खुद बनाते हैं. Means, कोई ऐसा काम जो हम खुद नया स्टार्ट करते हैं. क्या हमने कभी सोचा था कि हम घर पे बैठ के ऐसे YouTube पे लेक्चर देख सकेंगे या फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूँगा ऐसे वाया YouTube? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज YouTube जैसी चीज़ बनी और वो किसी ने स्टार्ट की. तो इनके कहने का मीनिंग यहाँ पर यही है. समटाइम्स द बेस्ट रोड इज द वन यू मेक. मीन्स कोई नया ऐसा काम स्टार्ट करना, अपने लिए एक नया रोड बनाना. सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर वोकल सीरीज. टुडे वी विल डिस्कस द बी वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज ऑफ बी वर्ड्स एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज बेनाल. फ्रेंड्स, बेनाल मीनिंग क्या होता है? लैकिंग ओरिजिनलिटी. कोई चीज डल हो रही है या फिर वो ओरिजिनलिटी लूज कर रही है अपनी, तो उसको हम बोलेंगे बेनाल. और बेनाल का लिंक क्या होगा हमारा? केनाल. केनाल गोट बेनाल. ये केनाल ऐसी थी नहर और ये अभी अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर चुकी है. ये ऐसी हो गई है, डल हो गई है. नेक्स्ट वर्ड इज बेकनेलियन. ये वर्ड काफी नया लगेगा कुछ लोगों को, बेकनेलियन. बट अगर मैं बोलूं शराबी, उस वर्ड को आप सभी पहचान लेंगे. शराबी को ही बेकेनेलियन बोलते हैं और ये शराबी के लिए नया वर्ड है. मीनिंग इसका मीनिंग है ड्रंकन या ड्रंकन पार्टी. मीन्स शराब या शराब वाली पार्टी, उसको हम बोलेंगे बेकेनेलियन. और बेकेनेलियन का हमारा लिंक क्या होगा? बच्चन. बच्चन इज बेकेनेलियन. तो बच्चन का, बच्चन जी बेकेनेलियन है कि बच्चन कौन बेकेनेलियन है. लोग कहते हैं मैं शराबी अब आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे बिकॉज आपने एक वीडियो से इसको ऐलान किया है. बच्चन इज बेकेलेनियन. नेक्स्ट वर्ड इज बिरेट. बिरेट मीन स्कोल्ड करना, किसी को फटकारना, डांट फटकार लगाना. तो स्कोल्ड कौन करेंगे? करते हैं पेरेंट्स. यहाँ पर स्कॉल्ड कौन करेंगे? फादर. फादर बिरेट हिज सन फॉर सिगरेट. सिगरेट के लिए स्कॉल्ड कर रहे हैं, सिगरेट के लिए बिरेट कर रहे हैं. वो सिगरेट के लिए बिरेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनका सन ऐसे सिगरेट पीता है. और नेक्स्ट वर्ड इज बसमिर्च. फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि बदनामी के लिए कोई वर्ड बताइए तो आपको शायद एक या दो वर्ड मुश्किल से मिलेंगे. बट हम सीखेंगे कई सारे वर्ड बदनामी के लिए और उन्हीं में से एक ये है बसमिर्च. आजकल न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत ज्यादा दिखता है और इसका हमारा लिंक क्या होगा? बीस मिर्च. बसमिर्च मीन्स डेनिग्रेट, डिसग्रेस, किसी को डिसग्रेस करना, बदनाम करना. और हमारा लिंक क्या है? बीस मिर्च. तांत्रिक यूज बीस मिर्च टू बस मिर्च हिज ग्रेस. किसी को डिसग्रेस करने के लिए तांत्रिक ने बीस मिर्च यूज की. तो यही हमारा लिंक है, तांत्रिक यूज बीस मिर्च टू बस मिर्च हिज ग्रेस. नेक्स्ट वर्ड इज बामी. बामी मीन्स माइल्ड, जेंटल. ये वर्ड फ्रेंड्स वेदर के लिए यूज किया जाता है, ऐसा सुहावना. वेदर मीन्स बामी मीन्स सुहावना. और हमारा लिंक इसमें क्या हुआ? बाम. दिस बाम इज बामी. ये बाम बामी है, जेंटल है. और नेक्स्ट वर्ड इज बीएचिट्यूड. फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है सुप्रीमली ब्लेस्ड. और हमारा लिंक क्या होगा? ब्यूटीफुल एटीट्यूड. आवर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का ब्यूटीफुल एटीट्यूड इज बीएचिट्यूड. डॉक्टर्स सुप्रीमली ब्लेस्ड क्यों होते हैं? अपने ब्यूटीफुल एटीट्यूड की वजह से. ये देखिए, एक डॉक्टर पेशेंट को जूस पिला रहे हैं खुद. और ये पिक्चर अभी काफी वायरल हुई कोरोना के चलते. ये केरला के एक हॉस्पिटल की है. ये नेफ्रोलॉजिस्ट है जो कोविड-19 की वजह से, ये पेशेंट है जो ये इनके घर वाले इनके पास नहीं आ सकते थे. तो जब इन्होंने कुछ खाना चाहा तो इन डॉक्टर ने, ये एक डॉक्टर है जॉर्की एब्राहम, एक सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट है. फ्रेंड, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो किडनी का इलाज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंट. ब्लंट का मीनिंग होता है एब्रप्ट मैनर, रद्दा मैनर, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं. और ब्लंट का एक और मीनिंग होता है, ब्लंट आप ये देख रहे होंगे पेंसिल इनकी, ये ब्लंट हो चुकी है तो हम अब हमें शार्प करना पड़ेगा. तो ब्लंट पेंसिल होते हैं. और जो हमारा लिंक है वो है ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला. स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको पहचान लीजिए पहले इस नेम को. ये मूवी तो आप सभी ने देख ली होगी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. ये मूवी बनी है इस बुक के ऊपर और ये बुक लिखी है संजय बारू ने. संजय बारू कौन है?
संजय बारू है पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड पॉलिसी एनालिस्ट। ये है मिस्टर संजय बारू, ये फॉर्मर पीएम मनमोहन के साथ आप इनको देख रहे होंगे, ये है संजय बारू, ये इनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। बारू बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये जो कुछ बोलना था इनको सीधा बोलते थे, तो हमारा लिंक होगा बारू इज ब्लंट, बारू स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आप देख लीजिए एक बार इनको भी कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो फ्रेंड्स आपने देखा था मिस्टर बारू कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैंडिश। ब्रैंडिश मीन्स फ्लॉरिश, वेव अराउंड मीन्स लहराना, किसी चीज को हवा में लहराना, उसको बोलते हैं ब्रैंडिश। और यहाँ पर ब्रैंडिश कौन कर रहे हैं? बॉयज। बॉयज आफ्टर ब्रैंडी, ब्रैंडी पीने के बाद ये बॉयज ब्रैंडिश कर रहे हैं अपनी गन्स। ये देख लीजिए आप पिक्चर में, ये अपनी गन्स ब्रैंडिश कर रहे हैं ये बॉय, देख लीजिए इधर भी हैं। आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये जो गन इनके पास है ये टॉय गन है। नेक्स्ट इज बिहेस्ट। बिहेस्ट मीन्स ऑर्डर या कमांड, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर आते हैं उनको बोलते हैं बिहेस्ट। तो हमारा लिंक भी यही है, गवर्नमेंट बिहेस्ट टू कैंसिल द टेस्ट, गवर्नमेंट ने टेस्ट को कैंसिल करने के लिए बिहेस्ट किया, ऑर्डर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टियन। बेस्टियन मीन्स प्रोटेक्टर, स्ट्रॉन्ग होल्ड, रखवाला। और यहाँ पर रखवाला कौन होगा? भीम। भीम इज बेस्टियन ऑफ बस्ती। बस्ती का रखवाला कौन होगा? भीम। भीम इज बेस्टियन। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्रूअल, वायलेंट। और क्रूअल कौन थे? मुगल्स। मुगल्स वर ब्रूटल। और नेक्स्ट वर्ड इज बेनफुल। बेनफुल मीन्स हार्मफुल। और हार्मफुल कौन थे? होते हैं क्रिमिनल। और क्रिमिनल्स की हो गई बेल। बेल ऑफ बेलफुल क्रिमिनल्स, इन हार्मफुल क्रिमिनल्स की बेल हो गई। ये है दाऊद इब्राहिम, यहाँ पे छोटा राजन है, तो इनकी हो गई बेल। बेल ऑफ बेलफुल क्रिमिनल्स, बेलफुल क्रिमिनल्स की बेल हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज बेड्रेगल। इसके नाम में ही हमारा लिंक है, बेड। बेड्रेगल का मीन होता है कम्प्लीटली वेट, डेंक। डेंक भी बोलते हैं इसको। और बेड को बेड्रेगल कौन करेगा? बेबीज। बेबीज करेंगे बेड को बेड्रेगल, गीला करेंगे ऐसे। नेक्स्ट इज बेरोक। बेरोक मीन्स डेकोरेटेड। ये वर्ड फ्रेंड्स आर्ट के लिए यूज किया जाता है, उसको उसकी डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है बेरोक। कोई आर्ट हो या फिर कोई बुक वगैरह हो, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हो वर्ड से, तो उसको बेरोक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और हम बट हमारा यहाँ पे लिंक क्या होगा? बार, क्योंकि बार हमारा डेकोरेटेड है यहाँ पर, बार इज बेरोक। नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकॉस। बेलिकॉस मीन्स क्वेरलसम, लड़ाकू। और इसी में हमारा लिंक है, बैल मीन्स ऑक्स। ऑक्स को हम बैल भी बोलते हैं हिंदी में, तो यही हमारा लिंक है। बैल आफ्टर ग्लूकोस इज बेलिकॉस। ग्लूकोस पीने के बाद बैल बेलिकॉस हो गया, लड़ाकू हो गया ऐसे, क्वेरलसम हो गया। फ्रेंड्स 15 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारा आज का एक्स्ट्रा वर्ड है। ये एक वर्ड हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स ए ट्रिब्यूट, ये एक ट्रिब्यूट है इनके लिए, इन्हीं के लिए हमने इस वर्ड को ऐड किया है, बिकॉज इन्होंने एक मूवी बनाई थी बिल्लू बार्बर, और यही हमारा लिंक है इस वर्ड का। बिल्लू बार्बर वॉज नॉट बार्बेरियन, बार्बेरियन नहीं थे ये। बार्बेरियन का मीनिंग क्या होता है? अनसिविलाइज्ड पर्सन, मीन्स जो अलग से रूड तरीके से बिहेव करता हो, तो ये बार्बेरियन नहीं थे। बिल्लू बार्बर वॉज नॉट बार्बेरियन, ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, ये बार्बेरियन नहीं थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, पेड़ पौधों और पक्षियों का ध्यान रखें, और हो सके तो ये लेक्चर किसी और को भी पढ़ा दीजिए, बिकॉज ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, इंजॉय करो यार।